आपकी बहन किस खुशी में 2 घंटे से डेरा जमा के बैठी हुई है? न सलाम न दुआ, मुझे अंदर आने दो, बैठने तो दो। मैं आपको बता रही हूँ हारिस, मुझे इसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे। हाँ, कह रही थी कि मैंने आपसे जरूरी बात करनी। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो वो सिर्फ आपसे करना चाहती है? तफ्तीश क्यों कर रही है? तो मेरे साथ बैठ जाना, वो जो बात करेगी तुम्हारे सामने करेगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मुसरत? मैं बिल्कुल ठीक। बैठो बैठो बैठो, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। अकरम भाई कैसे हैं? वो भी बिल्कुल ठीक है। आपको याद कर रहे थे और सलाम भेजा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए थे आपसे, मैंने कहा मैं अपने भाई से मिल लूं। अच्छा किया भाईजान, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, और आप जानते हैं जब से मेरी शादी हुई है उस दिन से आज तक मैंने कभी भी कुछ नहीं मांगा आपसे। आज भी मेरा मुंह नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशी और शौहर के हुक्म की वजह से बड़े अरमान से आपके पास आई। सरत, इतनी लंबी तमहीद बांधने की क्या जरूरत है? जो तुम कहना चाहते हो साफ साफ। अच्छा ये बताइए, जूबी कैसी लगती है आपको? कैसी लगती? भाई जूबी मेरी भांजी है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही प्यारी। दरअसल भाईजान, खानदान से बाहर से जूबी के बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, और हम जूबी की शादी गैरों में नहीं करना चाहते। अपने खानदान में एक वकार है जो हमारी जूबी के जुड़। वाह कमाल है मुसरत, 1 घंटे से तुम मुंह बंद करके बैठी हो। तुम अगर ये बात मुझे पहले बता देती तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से बात ना करने देती? ऐसी बात नहीं है भाभी जान, मैंने तो सिर्फ आपसे इसलिए बात नहीं की कि माजी में आप में और हम में कुछ रंजिशें रह चुकी हैं। मैंने सोचा कहीं आप, खैर छोड़े पुरानी बातों को। भजन आप बताएं, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? एतराज? अरे मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे एतराज है, मेरा इकलौता बेटा है और इस घर में सिर्फ एक ही बहू आएगी, वो कम से कम तुम्हारी बेटी नहीं होगी। देखा देखा भाईजान आपने, इसीलिए मैं सिर्फ अपने भाईजान से बात करना चाह रही हूँ। मुझे पता था आप तो करो ना बात, पूरी दुनिया की बात करो, पूरे खानदान की बात करो, लेकिन मेहरबानी से मेरे इकलौते बेटे की बात नहीं करो। मैं चाय भिजवाती हूँ, आप दोनों चाय पीजिए और बातें कीजिए। बल्कि पकौड़े पसंद है ना तुम्हें, मैं पकौड़े भी भिजवाती हूँ, कुछ तो तुम्हें यहाँ से अपने पसंद का मिलेगा। देखा भाईजान, ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती। अल्लाह की बंदी, थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करती। अपनी इकलौती बेटी जिसकी बहू बना रही उसी से बैर डाल रखा। मुझे कुछ नहीं मालूम भाईजान, मुझे अकरम साहब ने भेजा और मैं चली गई। और अपने दिल की बात बताऊं, वकार को भी मैं अपना दामाद बनाना चाहती हूँ। मैं भी दिल से यही चाहती हूँ, पर मैंने भर भर के जहेज देना है अपनी बेटी को, किसी गैर के घर क्यों जाए? मेरे भाई के घर क्यों नहीं आए? तुम मुझे जहेज का लालच दे, अच्छी तरह जानती हो कि अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ। नहीं भाईजान, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आप मेरी बात को गलत समझे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। भाईजान मेरी बात का मान रखिए, भाभी को मनाए आप, अगर उनको मैं मनाऊंगी तो वो गड़े मुर्दे उगार कर बैठ जाएंगी।
आप बात करेंगे तो आपकी बात मानेंगे। आप अपनी बहन का मान नहीं रखेंगे। अकरम की भी यही ख्वाहिश। प्लीज मेरे शौहर के सामने मुझे शर्मिंदा मत करवाइएगा। अब्बा मैं बता रहा हूं, अगर मंसूर चाचा ने आदिल के हक में फैसला किया ना तो मैं कबूल नहीं करूंगा। अच्छा क्या करोगे? क्या करूंगा? कुछ ऐसा करूंगा कि मंसूर चाचा को अपने फैसले पे पछताना पड़े। चलो तुमने अभी सोचा तो नहीं है ना कि क्या करोगे, जब सोच लो तो मुझे जरूर बताना। मैं उस आदिल का कत्ल कर दूंगा। अच्छा उससे क्या होगा? विरासत तुम्हें मिल जाएगी। बेवकूफों वाली बातें जितनी चाहे तुमसे करवा लो। अरे तुम मेरे बेटे से सवाल जवाब करते जा रहे हो, अपने भाई पे क्यों नहीं दबाव डालते? वैसे तो उसकी मोहब्बत के बड़े दावे करते हो। ऐसी होती है मोहब्बत? अरे मैं कहती हूँ उसे तो सोचने के लिए वक्त मांगना ही नहीं चाहिए था। अगर मांगा है तो कोई वजह तो होगी ना। वो विरसा की शादी अपने साले के बेटे के साथ करवाना चाहता है। क्यों बिला वजह की बदगुमानी पाल रही हो शमीम? मंसूर अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता है ये तुम ही नहीं पूरा खानदान जानता है। विरसा में जान है उसकी। तुम कुछ भी कहो लेकिन विरसा पे मेरे बेटे का हक है। ददियाल वालों का हमेशा ज्यादा हक होता है। बहन तो पराई होती है और बहन की औलाद भी पराई। भूल गई क्या कहा था मंसूर ने? जमाना बदल गया है, वो ऐसी बातों को नहीं मानता। चलो वो नहीं मानता लेकिन तुम तो मानते हो ना, और उसे भी तुम ही मनाओ। अगर विरसा की शादी कहीं और हो गई ना तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। और ये बात मत भूलो कि ये घर जो है ये तुम्हारे भाई का है, याद है ना? याद है भाई याद है, बल्कि तुमने तो हिप्स करवा दिया है। तौबा अल्लाह की पनाह है, वैसे बात करके बंदा पछताता है। अम्मा अब्बा को लेकर नीचे जाओ और जाकर चाचू से बात करो, हो सकता है तुम लोगों की बात मान जाए। उस दिन वो आदिल अपने माँ बाप के साथ आया था तो